हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एससीआर के ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, जैसे कि इसका कंडक्शन मोड या फिर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड किस तरह से रहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में बेसिक हमने एससीआर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एससीआर वर्क करता है, किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है या फिर किस तरह से ओपन सर्किट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमने एससीआर देखा था उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से एक पी टाइप सबस्ट्रेट था, जिसको हमने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया था। ओके, तो उसमें हमारे पास अलग अलग चार कुछ इस तरह से लेयर थे और जिससे हमें थ्री जंक्शंस मिलते थे। ओके, तो फर्स्ट वन था दैट इज पी रीजन, सेकेंड वन दैट इज एंड रीजन, थर्ड वन दैट इज अगेन पी रीजन, एंड लास्ट वन दैट इज एंड रीजन। ओके, सो वी हैव फोर डिफरेंट ब्लॉक्स। One, first one that is P layer, second one that is N layer, third one that is P, and fourth one that is N-type layer. Okay, so अगर हम इस P, N, P, N structure को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो हमने इसे अलग अलग नाम दिए थे, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था इसका नाम एनोड, सेकेंड वन टर्मिनल दैट इज एन कैथोड, एंड थर्ड वन टर्मिनल ओवर हियर, और उसको हमने बोला था गेट टर्मिनल। ओके, जब हम इस टाइप के एससीआर को पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एनोड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड से अटैच करते हैं, तो जिस तरह से डायोड रिवर्स बायस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका एससीआर है वो रिवर्स बायस होगा। ओके, और यहाँ पे जो हमारे जंक्शंस थे वो कुछ इस तरह से थे। यहाँ पे था जंक्शन जे वन, सेकेंड वन दैट इज जे टू, एंड थर्ड वन दैट इज जे थ्री जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पी एन पी टाइप जो हमारा एस सी आर है, जिसमें पी एन पी एन लेयर्स है। ओके, इसको जब आप यहाँ पे एनोड को नेगेटिव पोलारिटी से और कैथोड को पॉजिटिव पोलारिटी से अटैच करते हो, तो यहाँ पे ये एक पी एन जंक्शन बनता है। ओके, जब आप पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव से अटैच करते हो और एन टाइप हायर पोटेंशियल पे रहता है, तो ये जो आपका जंक्शन है जे वन वो रिवर्स बायस होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जे वन इन रिवर्स बायस मोड। ओके, और आपको पता है पी एन जंक्शन में जब रिवर्स बायस होता है तो ये ओपन सर्किट रहता है। क्या रहता है? ओपन सर्किट। सिमिलरली जब एन टाइप मटेरियल को आप पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच करते हो और यहाँ पे जो आपका ये सेकेंड वन पी टाइप मटेरियल है वो लोअर पोटेंशियल पर रहता है, तो ये जो आपका जे थ्री जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस में जाएगा। ओके, तो जे थ्री जंक्शन वो भी रिवर्स बायस में जाएगा, और आपको पता है रिवर्स बायस में पी एन जंक्शन ओपन सर्किट रहता है। ओके, यानी कि जे वन एंड जे थ्री दोनों यहाँ पे रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये दोनों जंक्शन ओपन सर्किट रहेंगे। ओके, फिर से मैं बता देता हूं, जब आप पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से अटैच करते हो, तब पी एन टाइप मटेरियल है वो एन टाइप मटेरियल हायर पोटेंशियल पे आता है, उसकी वजह से यहाँ पे जे थ्री जंक्शन रिवर्स बायस में जाएगा और रिवर्स बायस में वो ओपन सर्किट रहेगा। सिमिलरली एन टाइप मटेरियल को जब आप हायर पोटेंशियल से अटैच करते हो और पी टाइप मटेरियल को लोअर पोटेंशियल मिलता है, तो यहाँ पे जे थ्री जंक्शन भी रिवर्स बायस में सेट होगा और रिवर्स बायस में ये भी ओपन सर्किट रहता है। जबकि यहाँ पे जो ये हमारा पी टाइप मटेरियल है और यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पे एन टाइप मटेरियल को जो पोटेंशियल मिला है वो नेगेटिव है, पी टाइप मटेरियल को जो पोटेंशियल मिला है वो पॉजिटिव है, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका जे टू जंक्शन है वो जे टू जंक्शन फॉरवर्ड बायस में सेट होगा। तो यहाँ पे ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है एज ए शॉर्ट सर्किट। लेकिन जे टू को फॉरवर्ड बायस में सेट करने के लिए आपको उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि जो ये आपके वी इन वोल्टेज है, इस वी इन वोल्टेज को आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। ओके, और रिमेनिंग दो जो हमारे जंक्शन है, जंक्शन जे वन एंड जे थ्री, वो दोनों ओपन सर्किट रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें थोड़ा सा करंट फ्लो होगा कुछ यहां से यहां पर। ओके,
और ये जो करंट फ्लो होता है वो यहाँ पे जो J2 जंक्शन है वो J2 जंक्शन में फ्लो होगा, और ये जो माइनर करंट फ्लो होता है इसे हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। क्योंकि हमने जो यहाँ पे पोलारिटी सेट की है वो रिवर्स बायस की है, तो रिवर्स बायस में जो लीकेज करंट होता है इसे हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ओके, तो एक मोड हो गया कि जब आप इस SCR को कुछ इस तरह से पोलारिटी अप्लाई करते हो पोटेंशियल की, एनोड को नेगेटिव से कैथोड को पॉजिटिव से, तो इसमें दो जंक्शन J1 एंड J3 है वो रिवर्स बायस में सेट होते हैं, और इसी की वजह से ये दोनों ओपन सर्किट रहते हैं, जबकि J2 जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस बनता है और फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट रहता है, और इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको लीकेज करंट मिलता है और इसे हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। यहाँ पे हमारा जो गेट टर्मिनल है वो फिलहाल ओपन सर्किटेड है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वन, हमारा एक मोड। इस मोड को हम बोलेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन मोड, इसे हम बोलेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो हमारा ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को अगर आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये आपका J1 एंड J3 जंक्शन है इसमें ब्रेक डाउन होगा। ओके, धीरे धीरे आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो ये दोनों जंक्शन पे ब्रेक डाउन होगा, जिससे यहाँ पे एक लार्ज करंट फ्लो होगा। ओके, और ये जो लार्ज करंट फ्लो होता है ये फ्लो होता है ड्यू टू रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, इनिशियली इसमें कुछ करंट लीकेज करंट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, और ये जो लीकेज करंट होगा ये होगा माइक्रो एम्पियर में। ओके, जैसे ही आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे तो एक लिमिटेशन आएगी, और उस लिमिट के बाद यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन होगा इन जंक्शन J1 एंड J3। ओके, तो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो ये आपका जंक्शन J1 एंड J3 में रिवर्स बायस था उसमें ब्रेकडाउन होगा और सडनली करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अगर आप इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। अगर मैं इसे करंट को Y एक्सिस पे और वोल्टेज को X एक्सिस पे इंडिकेट करता हूं तो ये हो गया माइनस VIN, दैट इज इनपुट वोल्टेज इन वोल्ट, एंड सेकेंड वन दैट इज माइनस और नेगेटिव करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और ये जो करंट होगा वो होगा हमारा माइक्रो एम्पियर में। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स पोलारिटी अप्लाई की है उसी की वजह से यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट आपको नेगेटिव मिलेंगे। ओके, तो इनिशियली आपको बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे आफ्टर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको सडनली करंट में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, और उसी की वजह से यहाँ पे सडनली करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ मिली एम्प्स। ओके, तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, मैं यहां लिख देता हूं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, आफ्टर दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको करंट में ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। ओके, तब तक यहाँ पे जो आपका करंट है वो बहुत ही माइनर लीकेज करंट फ्लो होगा। ओके, तो इस तरह से जो आपका SCR है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वर्क करता है, यानी कि वो इनिशियली लोअर वोल्टेज पे ओपन सर्किट रहता है, जब यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई कर देते हो तो उसकी वजह से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ये शॉर्ट सर्किट होता है। क्योंकि यहाँ पे जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है तो उस वक्त यहाँ पे करंट में ड्रास्टिक चेंज आता है और हायर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी वजह से यहाँ पे आपको हीट डिसिपेशन ज्यादा मिलेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे ये जो आपका SCR है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप SCR कोई भी यूज करते हो तो उसकी डेटा शीट में आपको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दिए होंगे। ओके, अगर आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज रिवर्स में अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से आपका SCR डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओके, यानी कि आपको सेफ मोड में अगर वर्क करना है तो आपका जो रिवर्स वोल्टेज है वो लेस देन रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज होना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट वन मोड हो गया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें एससीआर नॉर्मली ओपन सर्किट रहता है। ओके, सेकेंड वन मोड डिस्कस करते हैं। सेकेंड वन मोड दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार पोलारिटी चेंज कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा पी टाइप मटेरियल, जिसमें हमारे पास चार अलग अलग लेयर है, पी एन पी एन। ओके, और इस एससीआर को हम कनेक्ट करेंगे एक डीसी पावर सप्लाई से। ओके, जिसमें एनोड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल से एंड कैथोड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल से। ओके, और यहां पे हमारा होगा गेट टर्मिनल। ओके, पी एन यहां पे होगा गेट टर्मिनल, यहां पे होगा हमारा एनोड टर्मिनल, यहां पे होगा कैथोड टर्मिनल, और यहां पे पोलारिटी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड अप्लाइड वोल्टेज दैट इज वी इन। हमने देखा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज सिग्नल अप्लाई नहीं करते थे। ओके, यहाँ पे भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी हम कोई वोल्टेज सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम फॉरवर्ड में एससीआर को अटैच करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा J1, J2 एंड J3 जंक्शन है उस पर क्या अफेक्ट आती है। ओके, तो इस इफेक्ट को हम देखने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पे पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये एन टाइप मटेरियल है वो लोअर पोटेंशियल पे आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो J1 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में सेट होगा। अभी आपको पता है कि जब भी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये होता है शॉर्ट सर्किटेड, बिकॉज जो वोल्टेज हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले हैं वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये ओपन सर्किट रहता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर या फिर सिलिकॉन बेस्ड पीएन जंक्शन में थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम बेस्ड पीएन जंक्शन में थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं 0.3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज J3 जंक्शन। J3 जंक्शन में जब आप इस जंक्शन में एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव पोटेंशियल या फिर लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो तो पी टाइप मटेरियल है वो हायर पोटेंशियल पे आता है, जिसकी वजह से ये जो पीएन जंक्शन बनता है यहाँ पे, इसकी वजह से ये J3 जंक्शन है वो J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में सेट होता है, और फॉरवर्ड बायस में ये होता है शॉर्ट सर्किटेड, बिकॉज पीएन जंक्शन में जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं इससे ज्यादा हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में सेट होगा, और फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किटेड रहता है। नेक्स्ट वन दैट इज J2 जंक्शन। J2 जंक्शन में यहाँ पे एन टाइप मटेरियल पॉजिटिव पोटेंशियल पे, पी टाइप मटेरियल नेगेटिव और लोअर पोटेंशियल पे है, तो उसकी वजह से J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस में सेट होगा। तो ये हो गया J2 जंक्शन, जो कि हो गया है रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में ये रहेगा ओपन सर्किटेड। तो जो हमने देखा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, इससे ऑपोजिट कंडीशन यहां पे है। रिवर्स बायस मोड में J1 एंड J3 दोनों रिवर्स बायस में थे और J2 फॉरवर्ड बायस में था, यहां पे इससे ऑपोजिट है, J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में है और J2 रिवर्स बायस में है। तो फिर से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे करंट फ्लो करवाना है या फिर आपका एससीआर को कंडक्शन मोड में सेट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये पीएन जंक्शन है J2 का, इस J2 जंक्शन पे आपको इसके जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल इंक्रीज करके या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके क्या कर सकते हो, इस J2 को रिवर्स ब्रेकडाउन अप्लाई कर सकते हो। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ये J2 जंक्शन है वो
उसका जो डेप्लेशन लेयर है उसमें ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पे जो ये J1 जंक्शन है और J3 जंक्शन है वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड थे। अगर ये जो जंक्शन है J2 ये ओपन सर्किट के बजाय रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है तो यहाँ पे करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको करंट मिलेगा, करंट एनोड टू कैथोड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज J2 को अप्लाई करते हो तो आफ्टर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ये J2 शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा और हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट एनोड से कैथोड कुछ इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी हमने गेट टर्मिनल पे कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है। अगर आप इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, जिसमें X एक्सिस पे फिर से आएगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल एंड Y एक्सिस पे आएगा आपका पॉजिटिव करंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V इन, आप यहाँ पे VAK भी लिख सकते हो, VAK दैट इज एनोड कैथोड वोल्टेज एंड VIN दैट इज योर इनपुट वोल्टेज, दोनों यहाँ पे सिमिलर है। ओके, क्योंकि अभी तक हमने कोई लोड अप्लाई नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज योर एनोड कैथोड करंट। तो ये जो एनोड कैथोड करंट है इसमें आपको जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है और ये जो आपका वोल्टेज है वो वोल्ट्स में होता है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वोल्टेज में वेरिएशन मिलेगा और इसकी वजह से आपको यहाँ पे करंट में भी इस तरह से वेरिएशन मिलेगा। आफ्टर वोल्टेज ब्रेक ओवर और ब्रेक ओवर वोल्टेज आपका जो SCR है उसमें J2 जंक्शन भी ब्रेकडाउन, J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, और इसी वजह से यहाँ पे जो ये वोल्टेज का डिफरेंस था वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे आपको लार्ज करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सडनली करंट कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो वोल्टेज सडनली डिक्रीज हो जाता है आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसे हम ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ब्रेक जो जंक्शन था J2 जंक्शन वो ब्रेक ओवर होता है। ओके, और जिस वोल्टेज पे इसका ब्रेकडाउन होता है इसे हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, यहाँ पे जो हमारा डेप्लेशन लेयर था वो यहाँ पे ओवर होता है। ओके, कंप्लीट होता है और इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन ब्रेक डेप्लेशन लेयर है वो हट जाता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ पे जो आपका ये जो वोल्टेज था इस वोल्टेज का डिफरेंस सडनली डिक्रीज हो जाता है और करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर्स। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे बिना गेट पल्स अप्लाई किए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी कंडक्शन कर सकते हो। ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है SCR के, जिसमें हमने कोई गेट पल्स अप्लाई नहीं किया है लेकिन दोनों में हमने कंडक्शन देखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कंडक्शन किस तरह से होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में यहाँ पे जो आपका कंडक्शन होता है इसमें हीट बहुत कम डिसिपेट होती है जिससे यहाँ पे कोई जो डैमेज होना चाहिए वो SCR में कोई ऐसा एज सच डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आपको जो हीट मिलती है वो हीट डिसिपेशन बहुत ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपका SCR है वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है SCR के, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसमें हम यहाँ पे जो एक गेट टर्मिनल है इस गेट टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे और इस गेट टर्मिनल पे स्मॉल करंट सिग्नल अप्लाई करेंगे जिससे यहाँ पे जो ये आपका SCR है वो बहुत ही लो VIN लोअर वोल्टेज पे कंडक्शन में जाएगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके डाउट से उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि मैं उसके सॉल्यूशन आपको कमेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।